हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनू गोयथ के कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में। हम आपको कुछ मोनू गोयथ के यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स ऐसे बताने वाले हैं जो कि मोनू गोयथ के पर्सनली यहाँ पे बड़े रिकॉर्ड्स हैं, अचीवमेंट्स हैं मोनू गोयथ की, वही हम यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आने वाला कंटेंट आपके लिए अमेजिंग होने वाला है। सो गाइस, सबसे पहला जो रिकॉर्ड रहता है मोनू गोयथ का वो है मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ पीकेएल हिस्ट्री। गाइस, इस रिकॉर्ड को जो प्रो कबड्डी लीग के खुद के जो टॉप रिकॉर्ड्स हैं उनमें ये रिकॉर्ड दर्ज है, बिकॉज गाइस मोनू गोयथ जो है पूरी प्रो कबड्डी हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। जी हाँ, मोनू गोयथ को सीजन 6 में 1.5 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा गया था, 1.51 करोड़ रुपये की कीमत में, हरियाणा स्टेलर्स की टीम के लिए, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। और सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर अभी तक के मोनू गोयथ ही हैं। सो गाइस, उसके बाद जो दूसरा रिकॉर्ड निकल के आता है वो आता है बेस्ट रेडर फॉर हरियाणा स्टीलर्स विद 10 सुपर 10s इन जस्ट 20 मैचेस। गाइस, यहां पे हमने बेस्ट रेडर की बात की तो अब यहां पे आपके मन में विकास खंडोला का नाम आ रहा होगा। जी हाँ, ऑल टाइम की अगर हम बात करें, मतलब ऑल टाइम पूरे यहाँ पे हम जो भी पॉइंट्स होते हैं हम उनको रख के अगर बात करें तो यहाँ पे ऑल टाइम जो है वो विकास खंडोला ही है। बट यहाँ पे एक रिकॉर्ड है मोनू गोयथ के नाम पर कि मोनू गोयथ ने एज अ कैप्टन 20 मैचेस में 10 सुपर 10s लगाए थे, और आज तक ये रिकॉर्ड हरियाणा स्टीलर्स की टीम के मोनू गोयथ के अलावा यहाँ पे किसी और रेडर्स ने नहीं हासिल करा है। विकास खंडोला ने जो इस सीजन में 11 सुपर 10s लगाए हैं वो 23 मैचेस में लगाए थे, 20 मैचेस में उनके 9 सुपर 10s थे। सो गाइस, इस हिसाब से मोनू गोयथ के नाम ही रिकॉर्ड आता है कि सबसे जल्दी 10 सुपर 10s लगाने का जो रिकॉर्ड है वो मोनू गोयथ के नाम आता है, और इसलिए मैंने यहाँ पे मोनू गोयथ को सुपर 10s के मामले में बेस्ट रेडर हरियाणा स्टीलर्स की टीम के लिए बोला है। सो गाइस, अब बात करें यहाँ तीसरे नंबर के खिलाड़ी की, तीसरे रिकॉर्ड्स की, तो गाइस तीसरा जो रिकॉर्ड है वो है यहाँ पे पटना पायरेट्स से रिलेटेड। पटना पायरेट्स को हम कैसे भूल सकते हैं, पटना पायरेट्स ने ही एक मोनू गोयथ को वो हाइप दी थी, वो स्टैंड अप दिया था। तो गाइस, ये रिकॉर्ड जो है ये है बेस्ट डू और डाई रेडर फॉर पटना पायरेट्स इन सीजन 5, 45 रेड पॉइंट्स इन डू और डाई रेड्स। गाइस, मोनू गोयथ ने जो है सीजन 5 में जो वो पटना पायरेट्स के लिए खेले थे तो यहाँ पे जो डू और डाई रेट्स लगाई थी उनमें टोटल 45 पॉइंट्स हासिल कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ डू और डाई रेट्स में। और गाइस, ये अभी तक एक रिकॉर्ड है कि एक सीजन में 45 पॉइंट्स या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट्स कोई भी रेडर हासिल नहीं कर पाया है डू और डाई रेट्स में, और ये रिकॉर्ड अभी तक मोनू गोयथ के नाम दर्ज है। ओवरऑल अगर डू और डाई रेट्स की बात करें तो वहाँ पे अजय ठाकुर का नाम आता है, बट अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ एक सीजन की, इंडिविजुअल सीजन की, तो वहाँ पे 45 पॉइंट्स या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट्स डू और डाई रेड्स में किसी और रेडर ने हासिल नहीं करे हैं, और ये रिकॉर्ड पटना पायरेट्स की टीम के लिए यहाँ पे मोनू गोयथ ने बनाया था, और ये अभी भी एक रिकॉर्ड है। सो गाइस, जो दो सबसे बड़े रिकॉर्ड यहाँ पे हमने बात की एक्सपेंसिव प्लेयर और डू और रेड वाली, वो दो रिकॉर्ड तो बहुत बड़े रिकॉर्ड हैं जो कि पीकेएल के बेस्ट रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। सो गाइस, मोनू गोयथ का आने वाले सीजन्स यहाँ पे और भी अच्छे रहेंगे, और भी हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, बट ये जो दो रिकॉर्ड्स हैं गाइस प्रो कबड्डी लीग के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, विशाल भारद्वाज के साथ जो है नेक्स्ट, मतलब यानी कि आज फ्राइडे है, सैटरडे को यहाँ पे हमें वीडियो देखने को मिल जाएगी आपको 5 से 6 के अराउंड। मेरा मतलब मैं अपनी तरफ से तो 5 बजे तक कोशिश करूंगा कि वीडियो डल जाए, हो सकता है कि एक आध घंटा आगे पीछे हो जाए, बट सैटरडे यानी कि 13 जून को वीडियो डल जाएगी, किस लिए वो स्पेशल रीजन भी आपको कल पता लग जाएगा। और गाइज, उसके बाद संडे को उसी यहाँ पे रैपिड फायर चलेंगे, बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है गाइज। यहाँ पे एक सुरेंद्र नाड़ा के साथ भी रिकॉर्ड पूरा जो है वो शूट हो चुका है, वीडियो एडिट हो चुकी है, बहुत कुछ आने वाला है। सो जाके जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।